भारतीय सेना में अग्निवीर स्कीम लागू करने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब नौजवानों को एक और बड़ा झटका देने वाली है और केंद्र सरकार के दूसरे विभागों में भी इसी तरह की योजना लागू की जा रही है और शुरुआत हो गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। हम आपको बता दें कि दुनिया के टॉप 50 बैंक्स में, दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भारत में लगभग 21,000 ब्रांचेज हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बैंक है, 21,000 ब्रांचेज हैं और 2,60,000 से 2.5 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते हैं। तमाम कर्मचारी और अधिकारी हैं, मैनेजर्स हैं, स्टाफ हैं, फोर्थ क्लास के लोग हैं। लगभग 2,60,000 से ज़्यादा, एक बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रोज़गार मिलता है। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा फैसला ले चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब अपने यहाँ नौकरी देने के लिए नए नियम लागू कर रही है और अग्निवीर योजना की तर्ज पर अब आप समझिए कि आप अभी ऐसा कोई नाम तो नहीं डिसाइड हुआ है, लेकिन अब बैंकिंग वीर नौजवानों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा क्योंकि सरकार अब आपको बैंकिंग वीर बनाना चाहती है। सरकार ने ये फैसला किया है कि संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे बैंक में एम्प्लॉइज रखे जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत कर दी है। वो भारत का पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है, पहला सरकारी बैंक बन गया है जो अपने यहाँ ठेके पर संविदा पे कर्मचारियों को रखेगा और उनसे काम करवाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना बड़ा बैंक है, आप समझ सकते हैं 50 करोड़ से ज़्यादा खाताधारक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। इसके बावजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये मानना है, उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि उनके मुनाफे में कमी आ रही है, फ़ायदे में कमी आ रही है, इसलिए वो अपने खर्चे घटाना चाहते हैं और खर्चे घटाने के लिए वो अपने रेगुलर अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या घटाना चाहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 2,60,000 से भी ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे रहा है, वहाँ पर जो HR का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है, वो उनकी एक यूनिट है, एक उनका बड़ा डिपार्टमेंट है, वो उसको हैंडल करता है, उसको देखता है। और ये जो डिपार्टमेंट है उनका, उन्हें कहा जाता है कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब्सिडरी, ये जो इनका डिपार्टमेंट है उसने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से यानी RBI से काफ़ी समय पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने RBI से काफ़ी समय पहले परमिशन मांगी थी, अनुमति मांगी थी कि संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे उन्हें एम्प्लॉइज़ रखने की परमिशन दी जाए। ये परमिशन अब RBI ने दे दी है। इसके पहले RBI ये परमिशन नहीं दे रहा था। ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के दबाव में, वित्त मंत्री के दबाव में ये अनुमति दे दी गई है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक लॉजिक रखा है कि जो उनका प्रॉफिट रेशियो है वो कम है, कॉरपोरेट कल्चर में जो प्रॉफिट उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, मुनाफे की कमी है, इसलिए वो अपने खर्चे घटाना चाहते हैं। तो अब RBI ने उन्हें हरी झंडी दे दी है, वो संविदा पर कर्मचारी रखेंगे और फिलहाल इसकी शुरुआत वो ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों से करेंगे। जो ग्रामीण शाखाएँ हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ पर संविदा कर्मी रखे जाएंगे, संविदा के मैनेजर, संविदा के क्लर्क, संविदा के अकाउंटेंट, कैशियर, ये पूरा सिस्टम वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो ग्रामीण शाखाओं को चलाएंगे। इसके अलावा जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र जैसे जो कस्बे हैं, बाज़ार हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं हैं वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी, संविदा कर्मी रखे जाएंगे और उसके ऊपर जो बड़े शहरों में जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉइज़, रेगुलर ऑफिसर्स होंगे। ये पूरी योजना है। इस योजना को धरातल पर उतारने पर लगभग 50% जो जॉब्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, यानी 2,60,000 एम्प्लॉइज़ आज उनके पास हैं और आने वाले समय में आप मान सकते हैं कि 1,00,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो होंगे वो संविदा के होंगे और धीरे धीरे संख्या को बढ़ाने की योजना है। केवल जो की पॉइंट्स हैं, की पोस्ट हैं, वहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण जो पद हैं, वहाँ पर रेगुलर ऑफिसर्स होंगे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रोल्स पे जो एम्प्लॉई होंगे और बाकी लोग संविदा पे होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारियों का ये कहना है कि अभी फ़िलहाल जो उनके ऊपर जो सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की जो लायबिलिटी होती है वो उनकी जो कुल इनको उनकी जो कुल आय है यानी टोटल जो ऑपरेशनल उनके खर्चे हैं उसमें लगभग वो 45.7% खर्च जो है वेतन पे कर रहे हैं और इसके अलावा जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो देते हैं उस पर लगभग 12.5% वो खर्च करते हैं। तो कुल मिला के ये सरकारी बैंक अपने खर्चों में कटौती करना चाह रहा है, अपने मुनाफे को बढ़ाने की बात कर रहा है, इसलिए वो
कर्मचारियों के या कहें कि देश के नौजवानों के अधिकारों पर एक कुठाराघात करना चाह रहा है और लाखों नौजवान जो काम करेंगे उनके नौकरी की कोई गारंटी नहीं होगी, कोई श्योरिटी नहीं होगी। और अगर संविदा पे हैं तो आप समझ सकते हैं कि संविदा पर अगर काम करते हैं तो बहुत आसानी से नौकरी से बाहर किया जा सकता है। संविदा की एक सीमा होती है, उसकी अपनी शर्तें होती हैं। हालाँकि अभी संविदा की जो शर्तें हैं वो खुलकर बाहर नहीं आई हैं, वो आने वाले समय में बाहर आएंगी। लेकिन एक और बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो शुरुआत कर दी है, उसके बाद जो दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो भी अपने यहाँ फिर यही शुरुआत करेंगे। वो भी ये चाहेंगे कि उन्हें भी ज़्यादा वेतन ना देना पड़े, सुविधाएं ना देना पड़े और संविदा कर्मियों से, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से ही काम चला लिया जाए। तो नौजवानों के लिए एक चिंता की खबर है। सरकार को ज़रूर देखना होगा कि सरकार क्या वादे करके सत्ता में आती है और उसके बाद क्या करती है। नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखना भी सरकार का दायित्व है। सरकार को अपने बहुत से ऐसे गैर ज़रूरी खर्चे हैं जिनमें कटौती करनी चाहिए।